स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी और ग्रेट न्यूज़ है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने भी सिर्फ करंटली 12th पास की है और अब वो अपने कॉलेज की लाइफ जो है वो घर बैठ के हमारी तरह अपने ईयर्स बर्बाद नहीं करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, दे लीव देयर कॉलेज लाइफ। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ट्री। सो आई होप यू ऑल गाइज आर गोना वेल एंड सेफ एंड हेल्थी। सो टुडे वी वॉन्ट टू नो कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो कब खुलेंगे। काफ़ी टाइम से हमारे स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो बंद हैं, बट नाउ वी वॉन्ट टू नो कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस अब कब खुलेंगे, क्योंकि एक काफ़ी टाइम हो गया स्कूल और कॉलेजेस को खुले हुए। हम तब से अभी तक ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं एंड वी ऑल नो कि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करती हैं हमारे माइंड में, हमारी स्टडी लाइफ में कंपैटिबल टू ऑनलाइन क्लासेस। रिसेंटली अभी 12th का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है एंड होपफुली सबका बहुत अच्छा आया होगा। सो हम सबके दिमाग में एक चीज़ चल रही है आपके, आफ्टर 12th हम कौन सा कॉलेज जाएंगे, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कौन सा कोर्स करेंगे। जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है आगे उनको क्या, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन से कोर्स में लेना है। तो उसके लिए फिर हमारे जो कई मतलब ऐसे स्टेट हैं, जब से कोविड जो है वो हमारा मतलब कंट्रोल में आ गया है, कम हो गया है, केसेस कम हो गए हैं, तब से क्या है कि धीरे 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 सिचुएशंस अच्छी हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, पहले की तरह सामान्य हो रही हैं और कई स्टेट में स्कूल और कॉलेजेस खोल जा चुके हैं लाइक 9th to 12th, राइट। बट दिल्ली में अभी तक कॉलेजेस और स्कूल्स बंद थे। अभी कुछ टाइम पहले भी हमने ये चीज़ सुनी थी, ये चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो पेरेंट्स से इस चीज़ को में डिस्कशन कर रही है, डिस्कस कर रही है टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, क्या सेफली है, मतलब अगर हम बच्चों को दोबारा से स्कूल और कॉलेजेस में आने की परमिशन दे दें और स्टडीज स्टार्ट हो जाएं। आवर दिल्ली एजुकेशनल मिनिस्टर मनीष सिसोदिया सर ने अपनी कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो पेरेंट्स हैं उनसे जब उनकी मीटिंग हुई, गवर्नमेंट स्कूल में मीटिंग्स की गई जहाँ पे वो खुद गए और उन्होंने पेरेंट्स से बात करी जाकर सभी पेरेंट्स से, और वहाँ पे फिर जो आउटपुट और जो कंक्लूजन निकला वो ये है कि पेरेंट्स भी अब चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो उनके स्कूल जाकर ही पढ़ाई करें, ना कि ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन कोई मतलब इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं है स्टडीज़ के मामले में। कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से भी मनीष सिसोदिया सर जाके खुद पर्सनली कॉलेजेस में जाकर या फिर उनसे बातचीत करी उन्होंने, और उनसे भी उन्होंने पूछा कि क्या वो लोग चाहते हैं कि कॉलेजेस खोल दिए जाएं, उनकी स्टडीज जो है वो ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो जाए एज रेगुलर एज जैसे कि पहले उनकी चलती थी बिफोर कोविड एंड लॉकडाउन। तो स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस के हैं उन्होंने भी यही सजेस्ट किया है कि जी हाँ, आप कॉलेजेस जो हैं वो खोल देने चाहिए, क्योंकि लाइक कॉलेज स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो होता है ना कि मतलब एक कॉलेज की लाइफ ही एक अलग होती है। जो ऑफलाइन क्लासेस की स्टडीज़ की बात होती है वो ऑनलाइन में नहीं हो पाती ड्यू टू मतलब लाइक लैक ऑफ कनेक्टिविटी एंड सम नेटवर्क इश्यूज एंड ऑल ऑफ दैट। सो नाउ दैट्स अ गुड न्यूज़ कि स्कूल और कॉलेजेस खुलने वाले हैं दिल्ली में, और 1st of August को इस चीज़ का लाइक ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो जाएगा होपफुली। गवर्नमेंट भी काफ़ी टाइम से इस चीज़ को चाह रही थी, स्टूडेंट्स भी चाह रहे थे कि अब जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो खोल दिए जाएं। वी ऑल नो ड्यूरिंग द कोविड एंड लॉकडाउन के क्या डिफरेंस है ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में, हाउ द इफेक्ट ऑन आवर स्टडीज एंड आवर स्टडी लाइफ। सो इट्स अ गुड न्यूज के कॉलेजेस और स्कूल्स खुलने वाले हैं 1st of August से दिल्ली में होपफुली, और इस चीज़ का जल्द से जल्द ही हमारा एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हमारे पास आ जाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई video. If you like, so please like my video, don't forget it, and please drop a comment and go hamare channel ko subscribe karna na bhule, please usko subscribe kare taki hamari next video ki notification sabse pehle aapke paas pahunche. Stay safe, stay healthy.